कॉन्सेप्ट मैप्स सो द टर्म इज़ शोइंग दैट वी नीड सम मैप्स टू एलेबोरेट वन कॉन्सेप्ट सो कॉन्सेप्ट मैप्स का मतलब यह है कि बाजात एक की आइडिया जो है हम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं और हमारे पास स्पेस कम है या हम एक पेज uh, की सूरत में या एक स्लाइड की सूरत में पूरी ओवरऑल सिचुएशन जो है वो उसका एक ओवरव्यू देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो हम उसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं साइंस के लेक्चर्स में भी मैथमेटिक्स में भी किसी भी फील्ड में हम कॉन्सेप्ट मैप के साथ जो है बजाय ये जो एक आइडिया है उससे रिलेटेड हर बात जो है वो आपकी पूरे तीन दिन में मुकम्मल होनी थी तो आप ओवरऑल एक पिक्चर दिखाने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं जिसमें एक आपका की आइडिया होता है सेंट्रल आइडिया है और उससे रिलेटेड फिर अगर उसको डिफ़ाइन तीन लोगों ने मुख्तु तरीके से किया है तो आप उनके नाम जो है एरोज़ के साथ उसको शो कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप मज़ीद उसकी कोई ब्रांचेस निकल रही हैं तो अब आप उसकी जैसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी है क्रिएटिविटी की डेफिनेशन इसने ये कहा इसने ये कहा इसने ये कहा क्रिएटिविटी जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं टाइप्स को आपने एरोस की सूरत में इस तरह से करके मेंशन किया है तो ये जो कॉन्सेप्ट मैप हैं ये पूरी आपकी एक आइडिया की एक सिचुएशन ओवरऑल जो है उसको डिपिक्ट करते हैं और इसमें हम जैसे बॉक्सेस और सर्कल्स यूज़ करते हैं तो उसको हम नोट्स कहते हैं और स्ट्रक्चर uh, तो इसकी हायरारकी होती है जिसमें कनेक्टेड लाइंस हैं जो एरोज़ uh, और लाइंस के साथ आइडियाज़ को हम मेंशन करते हैं uh, ये एक uh, जैसे कोई डायग्राम लेबल भी करें या कोई कॉन्सेप्ट भी बताएं जैसे हार्ट फंक्शन है तो हार्ट फंक्शन की पूरी पिक्चर के साथ उसकी लेबलिंग भी कर सकते हैं उसके मुख्तफ़ पार्ट्स की जो फंक्शनिंग है उसको बता सकते हैं उसको पूरा एक डायग्राम की सूरत में हम बच्चों को समझा सकते हैं तो कॉन्सेप्ट मैप इज़ आल्सो very good technique to tell you a uh, whole story in a very you know short time and uh, these are very important because uh, these concepts maps actually when uh, will, uh, will be used then they will provide the whole information in one go and students will uh, get more clarity and uh, they will uh, be more you know uh, aware about the information and overall, what is the meaning of the concept they will come to know and uh, they they will be able to relate the main idea with the sentence with the key points and uh, with the subheadings uh, they can relate the main heading with subheadings and they know that what are the uh, s uh, sub functions of the central function and how these sub-functions are related with the central uh, idea or central function so uh, it is better idea to just tell them uh, the concept through concept maps instead of you are dividing your uh, main idea into uh, three lectures and uh, day by day you are introducing the concept it is relation connection it तो ये जो कॉन्सेप्ट मैप है इसके थ्रू बच्चों को डिटेल एलेबोरेशन आप अगले दिन ज़रूर करा सकते हैं लेकिन आप ओवरऑल एक पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो उनको समझा सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप की मदद से